हेमंत सोरेन से नाराजगी नहीं है, काम किया है हेमंत। हाँ, हेमंत सोरेन सब के लिए पूरे प्रदेश के स्तर पर जो काम हुआ है उसके स्तर से बहुत अच्छा काम हुआ। अरे हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से आप क्या जेएमएम के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो जेएमएम इतना मतलब किस लिए? इसलिए कि भाई हम लोग बिजली बिल माफ कर दिया, किसान के 2-2 लाख रुपए माफ कर दिया, मैया योजना समान 100 से 2500 कर दिया, इसीलिए। हाँ, मोदी जो भी बोला है ना, हाँ, आज तक झूठा बोला है। अब एक करके दिखाया, 1000 ग्रामीण जनता को, औरत लोग को, सबको दे रही है जरा सरकारी। तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन वापसी करेंगे? जब 100 इतना लोगों के बीच में कर रहे हेमंत सोरेन वापसी करेंगे सर। इंडिया गठबंधन के सरकार में अबुआ आवास, मैया योजना, बिजली बिल माफी, अथी केसीसी माफी, हेमंत सरकार का जो कल्याणकारी योजना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह हरिहरगंज में मौजूद हूं और ये सड़क जो है ये औरंगाबाद की तरफ जाती है, ये डाल्टनगंज की तरफ जाती है और मैं एक पान की दुकान पर मौजूद हूं। क्योंकि अगर झारखंड बिहार की बात करें तो पान दुकान और चाय दुकान ये दो जगह होती हैं जहां राजनीतिक चर्चाएँ, राजनीतिक बात होती है। हम एक बगल में चाय दुकान भी है और इधर पान दुकान है। हम बातचीत करते समझने की कोशिश करते हैं इस बार जनता का मूड क्या है और जनता किसको पसंद करेगी। 5 साल चुनावी मैदान में लोगों ने खूब कुश्ती की, अब आपकी बारी है, किसको पसंद करेंगे? जी पिछला कैंडिडेट का तो पसंद नहीं करेंगे जी। तो क्या पिछली बार काम नहीं हो सका? जो काम हरियागंज के लिए होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या हरियागंज क्या चाहता था जो काम नहीं हुआ? बहुत तरह के सार्वजनिक काम है जो हम लोग नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अच्छा एक बात बताइए, प्रदेश में तो ये भी कहा जा सकता है कि आपके यहाँ भाजपा के विधायक मतलब एनसीपी से जीत के गए थे लेकिन चूंकि सरकार में नहीं थे तो काम नहीं हुआ। अब दोबारा आएंगे कहेंगे कि सरकार बनेगी, हम भाजपा के लोग हैं, सरकार बनेगी तो काम करेंगे। तो क्या लगता है कि काम होगा या बदलाव? देखिए भाजपा से जो जिस लोग का भाजपा से भी अगर मुँह माया था पहले ना, लेकिन जो जिस तरह से टिकट दिया गया है उससे भाजपा के लोग भी मोहमाया भंग हो गया। मोहमाया भंग हो गया, भंग हो गया। पिछला कैंडिडेट चेहरा बदल रहे हैं तो क्या जनता बेवकूफ़ है? जिसको लाके दे देंगे बस कबूल कर लेगा? ऐसा थोड़े है कि जैसे भाजपा के ही भेंट देंगे भाजपा के लोग। अच्छा तो हेमंत सोरेन से भी नाराजगी है क्या? हेमंत सोरेन से नाराजगी नहीं है, काम किया है हेमंत। हाँ, हेमंत सोरेन सब के लिए पूरे प्रदेश के स्तर पर जो काम हुआ है उसके स्तर से बहुत अच्छा काम हुआ। तो यहाँ गठबंधन में टिकट गया है, किसको पता है आपको? हाँ, गठबंधन का टिकट है, आरजेडी का गया है। तो आरजेडी को मदद करेंगे, जिताएंगे, वोट करेंगे? हाँ, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी करने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट अच्छा रहेगा हाँ तो करने में दिक्कत नहीं। तो आरजेडी के कैंडिडेट अच्छे हैं? अभी तो हम अपने अनुसार थोड़े बोल सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब आप जब मतदान की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आरजेडी के संजय जी हैं, बढ़िया कैंडिडेट हैं क्या? हाँ, पिछला कार्यकाल उनका अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। तो हेमंत जी का 5 सालों का कार्यकाल को अगर 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। इतना काम कर दिए, इतना बढ़िया काम किया। मुझे 4 काम बताइए। आपका जो है मैया योजना तो हाँ, आप बताइए जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैया सम्मान योजना आपको मिला है? बहुत लोग को मिला है। आपको मिला है? मिला है। और मुझे बताएं, एक महिला मैया सम्मान योजना और एक ही को मैं गड़बड़ा गया। हाँ ठीक है, 200 यूनिट और बैंक जो लोन लिए थे वो पास, वो माफ हुआ। अच्छा, केसीसी माफ हुआ, बिजली माफ हुआ, केसीसी माफ, बिजली बिल माफ हुआ। तो क्या इन, हाँ जी, हाँ, 2100 के जो सहयोग राशि जो दिया गया हाँ, बहुत लोग के लिए बहुत कारगर है। तो आपका बहाली भी करवे किए हैं? बहाली भी किए हैं। हाँ, बहाली भी। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों पे काम होगा और हेमंत जी हो सकता है वापस आ जाए, लगता है? उम्मीद तो है। उम्मीद है, उम्मीद है। आप अपना नाम बताइए। मुकेश मालाकार। मुकेश मालाकार, हाँ। आपकी माला किसको पहनाएंगे मुकेश जी? हम सबको माला पहनाते हैं। सबको पहनाते हैं? हाँ। आपकी किसको पहनाएंगे? सबको पहनाएंगे। अरे तो जीतेगा तो एक ही ना? जीत के आएगा तो माला पहनाएंगे। कौन, किसको वोट करेंगे? वोट हम करेंगे, वोट अपना मत है किसी में डालेंगे। अरे बताने तो वोट थोड़ी है। किसको किसी की योजना होगी, कांग्रेस की, भाजपा की, जेएमएम की, कोई तो नेता होगा जिसको पसंद करते होंगे। किसको करते हैं? आरजेडी को। आरजेडी को, मैंने संजय यादव को। संजय यादव के। तो संजय यादव काम वाम करेंगे कि खाली? करेंगे, काम करेंगे, जीतेंगे तब ना करेंगे। अच्छा, हेमंत जी कैसे नेता हैं? हेमंत जी ठीक है, बढ़िया काम किए हैं। हाँ, कर तो रहे हैं। 5 सालों में काम बढ़िया रहा है? हाँ, ज्यादा तो चंपई सोरेन किए ना। चंपई सोरेन किए। हाँ।
तो आप तो फिर चंपा से तो भाजपा में हैं, तो क्या कीजिए, अदल बदल होते रहता है, नेता कोई होती है, तो भाजपा को वोट करेंगे कि तो चंपई सोरेन आपके जो पसंदीदा नेता है? हाँ, मुंह में जो काम की चंपई सोरेन ही काम किए, समझे? चंपई सोरेन जब आया है तो सब मैया योजना जितना योजना है 100 यूनिट बिजली बिल माफ उसका सब वही किए थे। तो चंपई सोरेन तो आप जेएमएम में नहीं है ना? हाँ, जेएमएम में नहीं है। तो अब किसको चुनेंगे आप, यही तो पूछ रहे हैं? तो यहाँ से तो चंपई सोरेन नहीं ना, मुख्यमंत्री थोड़े घोषित हुआ कि भाजपा के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ही बन जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन चंपई सोरेन घोषित नहीं हुआ, लेकिन जेएमएम से हेमंत सोरेन तो घोषित है ना? हाँ, जेएमएम से हेमंत सोरेन घोषित है। हेमंत सोरेन घोषित है। अरे बस बस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेगा। इधर आइए, इधर आइए, इतना क्रांति मत फूंकिए, आइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से, आराम से। आप क्या जेएमएम के कार्यकर्ता है? नहीं, हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता है। तो जेएमएम इतना मतलब किस लिए? इसलिए कि भाई हम लोग बिजली बिल माफ कर दिया, किसान के 2-2 लाख रुपया माफ कर दिया, मैया योजना समान 100 से 2500 कर दिया, इसीलिए। अच्छा, हेमंत जी को पसंद? हेमंत जी को पसंद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हेमंत जी जेल गए, भाजपा ने कहा भ्रष्टाचार के इसलिए जेल गए, हेमंत जी का कहना है जेल गए इसलिए काम नहीं कर पाए, आप क्या मानते हैं, क्या सच है? सच है कि हेमंत जी सही है, भ्रष्टाचारियों के विरोध के चलते हुए जेल गए, भ्रष्टाचारियों ने जेल भेज दिया, लेकिन हेमंत जी भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। हेमंत जी के वोट मिलेगा और सरकार भी बनेगा हेमंत जी के, वापसी करेंगे हेमंत जी। हाँ, वापसी कर लेंगे। कौन सी योजना ऐसी है कि जो आपको लगता है कि हेमंत जी वापसी कर जाएंगे? यही वाला योजना है कि तीनों मुख्यमंत्री मैया योजना, किसान बिजली मिल माफ, किसान यही योजना है, कारगर कर जाएंगे। क्या आराम से बातचीत करने हम आप ही लोग करने आए? आप मुझे ये बताइए, कौन से नेता को आप पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? अभी तो हेमंत सरकार हम लोग को पसंद है। क्यों हेमंत सोरेन क्यों? इसलिए कि मतलब हमारा हिसाब से, बाकी जनता लोग क्या? हाँ जी जी, आप अपना बताइए। 2-3 गो योजना जो अभी लाए ना, एकदम करेंट में काम हुआ, तुरंत तुरंत हुआ, उसमें कोई लेट नहीं हुआ। बाकी सरकार तो है कि मैंने बोल के 2 महीना 6 महीना 8 महीना इलेक्शनों खत्म हो जाएगा, दूसरा इलेक्शन आ जाता है। तो भाजपा भी तो कह रही है कि गोगो योजना के तहत पैसा देंगे। अभी तो जब भाजपा की सरकार बनेगा तब ना इसको बात को पता चलेगा। मोदी झूठ बोलता है। आइए ना देखिए, यहाँ यहाँ कैमरा। हाँ सर, मोदी जो भी बोला है ना, आज तक झूठा बोला है। अब ये करके दिखाया, 1000 ग्रामीण जनता को, औरत लोग को, सबको दे रही है जरा सरकारी, और वो फिर 2500 का झूठों के कागज छुपे उसका कार्यकर्ता घर घर में दिखाता चल रहा है। और हम लोग पूछ रहे हैं गोगो दीदी, हम लोग पूछ रहे हैं ना, तो ना ना कहना नहीं है, किसी से नहीं कहना। और ये सही में 1000 सबको दे दिया हेमंत सरकार, और बिजली बिल माफ किया, यानी आपका किसान क्रेडिट लोन भी माफ किया, और हर तरह से सही चल रहा है बिजली। आप सच सच बताइएगा, जेएमएम के नेता हैं आपके कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हैं जेएमएम के। कार्यकर्ता? हाँ। तो इसलिए ना आपको जेएमएम पसंद है? दूसरे लोगों से भी पूछ लीजिए, काम हुआ है कि नहीं, पूछिए ना। तो भाजपा लोग भी है, पूछिए उन लोग। इधर आइए भैया, इधर आइए। आप भी जेएमएम के नेता हैं? हम कोई पार्टी के नेता नहीं, कोई पार्टी के नेता नहीं है। आप मुझे बताइए कि हेमंत सोरेन ने 5 सालों में सही में कोई काम किया है कि नहीं? ये तो आप भी दे सकते हैं, बिजली बिल माफ हुआ, केसीसी लोन माफ हुआ, आपको सड़क योजना देखी रहे, सब जगह चल रहा है। तो आप नहीं, इनके बगल में रहते हैं क्या? इनके बगल में कर रहे हैं ये, ऐसे कहे तो इसका मतलब आप हो सकता है कि आप मीडिया वाले हैं तो उन्हीं से आप मिले होंगे। आप ही पक्ष में बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आप जो खबर कह रहे हैं ना यही चलेगा। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सर हम कहने का मतलब है, 1000 रुपया भी महिला लोग के दिया ना, तो यही गोगो योजना तो भाजपा भी कह रही है। तो अभी वो दे रहा है, वर्तमान हम देखेंगे, भविष्य देखेंगे सर, वर्तमान देखेंगे ना। ठीक है, वर्तमान देखेंगे। तो अब हेमंत सोरेन जो है, आप मुझे बताइए, आप व्यक्तिगत तौर से? हाँ जी सर। कितनी योजनाओं से लाभान्वित हुए आप? आपकी सर, हमारे यहाँ 1000 रुपया आया है करके लाभान्वित। कितने कितने लोगों के? हमारे यहाँ 2-3 लोग के आया है। 1000 जी। अच्छा ठीक है, अगर हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 10 नंबर में से नंबर देना हो तो आप कितना नंबर? हम 10 देंगे सर, 10 देंगे सर, 10 में 10, 10 देंगे। तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन वापसी करेंगे सर? 100 पर इतना लोगों के बीच में कर रहे हेमंत सोरेन वापसी करेंगे सर?
नहीं तो हम नहीं कह सकते किनकी कितना सीट आवेगी, हम भविष्यवाणी पर सरकार पुनः हेमंत सोरेन का ही बन रहा है सर, एकदम गारंटी है सर। जबकि मेरे यहाँ हेमंत सोरेन का पार्टी लड़ नहीं रहा है, पर सरकार हेमंत सोरेन का ही बनेगा, गठबंधन यहाँ लड़ रहा पर उन्हीं का बनेगा। तो भाजपा के लोग तमाम लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया, जेल गए, तो ये क्या मामले झूठ मूठ? ये सर शोभा दे रहा है सर भ्रष्टाचार के बारे में, वो यहाँ सीट पर पूछ रहे हैं, तो ये बात तो सरासर गलत लगता है सर। सरासर गलत, हाँ भ्रष्टाचार पूछेगा वो हुसैनाबाद हरियरगंज में, तो ये तो सर बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ भ्रष्टाचार होता है, कहाँ होता है। ये तो आप भी पता होगा कि हुसैनाबाद हरियरगंज में मीडिया छाल रहा है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है पर सर, ये तो मान लीजिए तो कोई भी बात जानता है भ्रष्टाचार। अच्छा मुझे बताइए इस बात से जमीन पर कितनी नाराजगी है कि कोई भी कभी भी आता है और सीट मिल जाता है और चुनाव लड़ता है जीत जाता है, इस बात? इस पर तो बहुत कोई नाराज है सर, मान लीजिए कभी कहाँ रहता है तुरंत आ जाता है, उसको टिकट मिल जाता है, छोटा छोटा कार्य करता है कैसे रह जाता है सर, पार्टी में झंडा ढोहित रह जाता है, एक बेक आता है टिकट लेके आ जाता है, बहुत नाराजगी है सर। 5 साल मान लीजिए काम करता है और उसको दरकिनार करके और नया आ जाता है, उसको टिकट मिल जाता है और उसमें भी सही आदमी को मिलता नहीं है टिकट। कौन घोटालाबाज आदमी है? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह क्या घोटाला किए? बहुत नीमक घोटाला, कौन कौन घोटाला, 4 को 5 को मंत्री बनल थे, सिंचाई घोटाला, सब घोटाला घोटाले किया है सब घोटाला। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आप जेएमएम को वोट देंगे आपने कहा? हाँ, जेएमएम के देंगे, पैसा लल्टन के देंगे, लल्टन को देंगे, वो गठबंधन में है। हाँ मुख्यमंत्री कौन पसंद है? अगर राजद का मुख्यमंत्री बन जाए तो पसंद है? यदि हेमंत बना देंगे तो पसंद है। पसंद है? हाँ मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत, हेमंत सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। अच्छा आप कल्पना सोरेन के बारे में क्या राय रखते? वो भी बहुत सुंदर है, काम कर रही है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बन सकती है, वो भी बन सकती है, वो भी बन सकती है। ठीक है मतदान करते हैं जी, करेंगे भी जी, किसको करेंगे और युवा के मुद्दे इस बार क्या है? इस बार विकास पर वोट होगा। विकास पर? तो 5 साल से विकास नहीं हुआ? हुआ है विकास। तो कमलेश सिंह किए हैं कुछ काम? नहीं, कमलेश सिंह कहाँ, यहाँ तो अब नहीं करते, नहीं आते हैं, नहीं आते। देखे हैं कमलेश सिंह को? देखे हैं, कभी कभी गाड़ी से पार होते हैं तो खाली झंडा बैनर लग के पार हो जाते हैं। अच्छा सीधा सीधी रोड से जाते हैं। अच्छा इधर रुकबे नहीं करते हैं। अच्छा तो अगर मान लीजिए, चलिए कमलेश सिंह का तो आप बता दिए, राजद से संजय यादव है, उनको देखे हैं, वोट करेंगे? जी जी वोट करेंगे जी। मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने काम किया है जी। मुझे 2 योजना बताई तो जो सबसे बढ़िया, अभी तत्काल में चल रहा है मैया सम्मान योजना। आपके घर में कितने लोगों को मिला? 2 आदमी के। 2 आदमी को तो वोट करेंगे हेमंत जी को। अपना नाम पहले बताइए। हमारा नाम सूरज मालाकार हुआ। सूरज मालाकार, आप भी भाजपा को देंगे? एक मालाकार थे, वो कह रहे थे कि जो आएगा उसको माला पहना देंगे, आप किसको माला पहनाइएगा? हम तो सभी को माला पहनाते हैं सर। अरे दिल में कौन है जिसको वोट देके आप चाहेंगे कि मैं वोट दूं और वो माला पहने? आप वोट किसको देंगे? नहीं सर तो अभी नहीं हम बता सकते हैं, उस टाइम ही पता चल जाएगा। उस टाइम पता चल जाएगा जी सर। अच्छा ठीक है, अब ये तो बताइएगा कि आपको 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है, आपको लगता है कि हेमंत जी ने कोई काम किया है जिसके मार्फत आदमी उनको वोट देने का मन बना सकता है? काम किया है हेमंत जी ने? हाँ काम तो किए हैं। काम किया है? काम किए हैं। मुख्यमंत्री कैसे हैं, कार्यकाल उनका कैसा रहा 5 सालों का? मुख्यमंत्री तो मिला जुला कर ठीक है, कार्यकाल भी अच्छा ही रहा, मिला जुला के, मिला जुला करके। तो वोट देना हो तो हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? नहीं अब हम अभी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अच्छा हेमंत जी की किसी योजना से आप लाभान्वित हैं झारखंड सरकार के? हाँ बहुत लाभान्वित है। कौन सी योजना? मैया सम्मान योजना है। कितने लोगों को? हमारे घर में अभी सिर्फ 2 ही लोगों को मिल रहा है। ठीक है मैया सम्मान, और फिर बिजली बिल माफ हुआ, और फिर श्रम कार्ड, ये सब वाला काम हो रहा है। मैंने बहुत, मैंने 5-6 काम मैंने जो अच्छा, मैंने बढ़िया काम कराए, काम हुआ है। हाँ। आप अपना नाम बताइए। उमा यादव। उमा यादव, यादव जी तो अब की तो राजद को ये सीट गया है जी, तो संजय यादव कैसे प्रत्याशी हैं? संजय यादव हरिहरगंज में जितना भी नली गली रोड जो बना हुआ है, इतना आदमी उसका साक्ष है, संजय यादव का ही बनाया हुआ है। अभी इस रोड से जाइए, क्या गलत है? वो दोबारे कोई विधायक जीता नहीं बनाया है। तो अभी 5 सालों में कुछ नहीं विकास हुआ? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। इंडिया गठबंधन के सरकार में अबुआ आवास, मैया योजना, बिजली बिल माफी, अथी केसीसी माफी, हेमंत सरकार का जो कल्याणकारी योजना है उन्हीं लोग का वोट जाएगा, पारा टीचर, ये सब बहुत तरह के योजना को गठबंधन का सरकार काम किया। लगता है कि हेमंत सोरेन जितना काम किए हैं वापसी हो जाएगी सत्ता? बिल्कुल बिल्कुल। आप पसंद करते हैं?
बिल्कुल वोट भी करेंगे जी। आप इधर आइए, पारा टीचर वाला क्या कह रहे थे, आप टीचर हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं। जी आए, हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? टीचर नहीं है, हाँ। जो पारा शिक्षक हैं उन लोगों का पीएफ सरकार ने कैबिनेट में पास किया है। अरे चाय पीएफ कटेगा उन लोगों, जो कभी जो प्राइवेट कंपनियां में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है जो उसमें काम करता है, हाँ। उसका भी पीएफ कटता है, हाँ। उसी तरह झारखंड सरकार ने पारा टीचर को पीएफ का लाभ दिया है। तो ये लगता है कि अच्छा फैसला था और चुनाव में सहायता करेगा, सहायता करेगा, बेनिफिट मिलेगा सरकार को। हेमंत जी वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ तो गठबंधन में राजद है, हाँ, राजद के, राजद को करेंगे वोट? करेंगे वोट। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि हेमंत जी जब जेल में थे तो भाजपा ने लगातार कहा कि भ्रष्टाचार के कई मुद्दे हैं, उन पर भ्रष्टाचार किया इसलिए जेल गए। आप ये बात जनता है, आप वोट देकर आपको तय करना है, आपको क्या लगता है कि सच में भ्रष्टाचार हुआ था क्या? उसका भाजपा सरकार साबित नहीं कर पाया। उन्होंने विधानसभा में बोला था ना कि साबित करके दिखा दे, हम झारखंड सरकार से यहाँ से भाग जाऊंगा। अच्छा तो भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो भाजपा से किस बात की नाराजगी? वो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। भ्रष्ट पार्टी है, क्यों? वो भ्रष्ट जो भी रहता है, विधायक है चाहे जो भी नेता है, उसी को शामिल करता है। वॉशिंग मशीन पार्टी पसंद नहीं है? बस नहीं है। अभी जो जो अभी जो सर जो वर्तमान जो यहाँ के विधायक है कमलेश सिंह, अभी बहुत उनको बारे में सभी लोग को पता होगा कि कितना यहाँ भ्रष्टाचार किए हैं जो मंत्री रहे थे उस समय, अब आज भी है। न जनता के सुख न दुख में काम किए हैं, न गरीबों के हित के लिए कोई काम करते। तो मतलब इस बार मुश्किल होगा उनको? मुश्किल का उनका तो नामो निशान मिट जाना है इस बार जी। और कोई लोग हमसे बात करेंगे? छूट जी, मुँह के बात है वो और कहना चाह रहे हैं जी, कहिए। झारखंड के जितना कर्मचारी हैं जी, आपका अभी तक जो ये सरकार किया कर्मचारी के लिए, कोई सरकार आज तक नहीं किया। ओल्ड पेंशन जो लागू किया किसी स्टेट में कोई सरकार की हिम्मत नहीं हुआ जी। सेंट्रल भी आपको रोक लगा दिया है ना, ओल्ड पेंशन अपने हिम्मत पर ही लागू किया, आज उससे सारा कर्मचारी खुश है। आप फुल सपोर्ट रहेगा, पूरा कर्मचारी के भी रहेगा और एक साधारण जनता के आप देखिए रहे हैं, मतलब इस बार वापसी तय रहेगा। ये आप देख रहे थे, मैं हरिहरगंज के एक बगल में चाय दुकान है और पान दुकान है, मैं यहाँ खड़ा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इस बार जनता के मूड में क्या है। जनता का साफ कहना था कि पिछले 5 सालों में यहाँ आप एनसीपी से जीत कर अब भाजपा में जाने वाले कमलेश सिंह विधायक रहे, उस दौरान कोई काम नहीं हुआ, और अब जब ये हेमंत सरकार की बात आए, मुख्यमंत्री की बात आए, तो हेमंत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से कई लोग लाभान्वित हैं और चाहते हैं कि हेमंत सरकार वापस फिर से सत्ता में आए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।